A right circular cylinder and a cone have equal base. एक सिलेंडर है, सपोज करिए ये वो सिलेंडर हो जिसकी बात की जा रही है क्वेश्चन में, एंड अ कोन कुछ इस टाइप का, ठीक है, हैव इक्वल बेस, इनके जो बेस है ये बेसिकली इक्वल है, एंड इक्वल हाइट्स, इनकी हाइट भी क्या है, इक्वल है. तो सपोज करो दोनों की हाइट मैंने एच ले लिया, एंड दोनों का बेस अगर सेम है तो इनके रेडियस भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी आर आर मैंने ले लिया. अब दिया गया है आगे, इफ देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 8:5, कर्व सरफेस एरिया किसके, सो सी एस से ऑफ सिलेंडर, बोला जा रहा है सी एस से ऑफ सिलेंडर अपॉन सी एस से ऑफ कोन किस रेशियो में है, 8:5 में, यानी 8/5 हो गया ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है. देन फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर रेडियस ऑफ देयर बेसिस टू देयर हाइट्स, ठीक है. तो हमें इसमें जो रेशियो बताना है, बिटवीन द रेडियस ऑफ देयर बेसिस, रेडियस के बीच में, टू देयर हाइट्स, हाइट्स के बीच में हमें रेशियो बताना है. ओके, सो सी एस सी ऑफ सिलेंडर होता है क्या है बेसिकली, तो सिलेंडर का अगर हम सी एस से देखें तो हमें मिलेगा 2πRh, ये होगा सिलेंडर का सी एस से कर्व सरफेस एरिया. और सी एस से कोन की बात करें तो ये मिलेगा πRL, ठीक है. अब देखो R दोनों का सेम है, ठीक है, और हाइट दोनों की सेम है, लेकिन यहां पे हाइट की जगह पे स्लांटेड हाइट आ रहा है, ये स्लांटेड हाइट. ओके, तो स्लांटेड हाइट बेसिकली होता है क्या है, एल, ये होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्लांटेड हाइट होता है. ओके, अब बोला जा रहा है कि जो जो इसके हाइट है सेम है, बेस सेम है, लेकिन यहां पे हाइट और रेडियस सेम नहीं बोला गया है, नहीं तो हाइट की जगह हम आर रख देते. तो क्या करें ऐसा जिससे ये यूटिलाइज हो पाए एच और आर यहां पे. सो देखो, हम पहले तो पाई से पाई कैंसिल आउट कर देते हैं, सेकेंड थिंग हम आर से आर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. अब हाइट और एल बचा यहां पे, तो अपन L की जगह पे ये पूरा लिख लेते हैं, और इसकी जगह पे 8/5 आप लिखो, यही है. अब देखो 2h ऊपर और L की जगह आप लिखो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 8/5. 2 से 8 को हम काट सकते हैं 4 टाइम्स में, ठीक है. अब बोथ साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये हमें मिल जाएगा एच स्क्वायर अपॉन, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये नीचे आपको मिलेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इधर 16/25 हो जाएगा. समझ में आया इतना. अब देखो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर में है, पॉजिटिव एडिशन जो है यहां पे, इसको न्यूमरेटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बोथ साइड अगर हम क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 25/16 हो जाएगा, ठीक है. अब इसको हम कर सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 25/16, ठीक है. इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इधर आते हैं हम, ठीक है. सो देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर हम काट देंगे तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 25/16. अब इस 1 को हम इधर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 25/16 -1, ठीक है.
अब 16 बन जा 16, 25 में से 16 गया तो कितना बचा 9, सो 9 अपॉन 16 हो गया। ध्यान देना यहां पे मैंने 1 लिया, ये 16 और 16 से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम सेम हो गया, तो 16 बन जा 16, 25 माइनस 16 9 होगा। इधर बचा आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं आर अपॉन एच पे होल स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 16, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर स्पेस कम पड़ रहा है तो इस चीज को उठा करके ले आओ इधर, ठीक है, इधर यहां पर स्पेस है यहीं पे कर लेते हैं हम। सो आर अपॉन एच पे होल स्क्वायर था और ये था 9 अपॉन 16, इस स्क्वायर को मैं इधर अगर भेज दूं तो ये रूट लगा देगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा 3 अपॉन 4, ठीक है। तो इस तरीके से r अपॉन h यानी रेडियस टू हाइट में जो रेशियो आया वो कितना आया 3:4 का, 3 अपॉन 4, ओके। सो आप लिखोगे r इज टू एच इज 3:4, यही पूछा जा रहा था कि फाइंड द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ देयर बेसिस टू देयर हाइट्स, मतलब यू नो रेडियस और हाइट के बीच में क्या